हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम करेंगे इंडिया के डिफेंस के बारे में, जिसमें तीन सर्विसेज आती है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो शुरू करते हैं इंडिया की डिफेंस पॉलिसी से। इंडिया की जो डिफेंस पॉलिसी है, उसका मेन एम है इंडिया में पीस को प्रमोट करना और उसको सस्टेन करके रखना। इंडिया में जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, वो होते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट। मतलब कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, वो इंडियन एयर आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी है। और जो नेशनल डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है यूनियन कैबिनेट की। इसके अलावा एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, और जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, वो कंट्री में डिफेंस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, वो सारे डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। और उसके लिए पार्लियामेंट उनसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकती है, वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल जो है आर्म्ड फोर्सेस का, वो सारे का सारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसके आगे चार डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से? एक है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सेकंड आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, थर्ड आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। 2002 में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसको एक नया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2002 में इसको ये नया नाम दिया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री को। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, इसमें तीन सर्विसेज होती है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी मतलब कि थल सेना, नेवी जल सेना, और एयरफोर्स होती है वायु सेना। ये जो तीन सर्विसेज हैं, ये अपने तीनों सर्विसेज के अपने अपने एक चीफ होते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ जिनको बोलते हैं। आर्मी का अलग चीफ होता है, नेवी का अलग चीफ होता है, और एयरफोर्स का अलग चीफ होता है। ये जो तीनों चीफ होते हैं स्टाफ के, इनके जो चीफ होते हैं अलग अलग, ये स्टाफ कमेटी के जो चीफ होते हैं, वो इनको आगे अपॉइंट करते हैं। और इनके जो चेयरमैन होते हैं, जो भी आर्म फोर्सेस का चेयरमैन होता है, चेयरमैन अब इन्हीं सर्विसेज में से रोटेट होकर आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी। सीनियोरिटी बेसिस पे जो आर्म फोर्सेस का चेयरमैन है, वो फिर आगे इलेक्ट होता है। अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें, मतलब आज की डेट की बात करें, तो आज की डेट में वर्ल्ड में इंडिया की जो आर्मी है, वो फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है। और एयरफोर्स की बात करें, तो इंडिया की जो एयरफोर्स है, वो फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, जो इंडिया की एयरफोर्स है। और नेवी सेवन्थ लार्जेस्ट नेवी है, जो इंडिया की नेवी है। इंडिया 2020 के अकॉर्डिंग एक नई पोस्ट क्रिएट करी गई थी 2019 में। कौन सी पोस्ट थी? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS जिसको बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक नई पोस्ट बनाई गई थी। और इसका जो रैंक था, वो था 4-star general। मतलब कि ये जो रैंक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था, इसके 4 star लगते थे। और इसकी जो सैलरी होती थी और इसके जो प्रीरिक्विजिट्स होते थे, वो सारे के सारे सर्विस चीफ के इक्विवेलेंट होते थे। जो सर्विस चीफ को जितने भी सैलरी मिलती थी, वही सैलरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मिलती थी। और जो बाकी की चीजें सर्विस चीफ को दी जाती थी, वही सब कुछ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी मिलता था। और उस टाइम पे फिर जब ये पोस्ट क्रिएट करी गई थी, उसके बाद जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत इसके पहले CDS बने थे, हमारी कंट्री के, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल बिपिन रावत। और ये 3 साल के लिए उस टाइम पे बनाए गए थे। फिर बात करते हैं तीनों सर्विसेज के बारे में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में। सबसे पहले आर्मी के बारे में देखते हैं। आर्मी क्या है? आर्मी का जो चीफ होता है, उसको बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, वो है न्यू दिल्ली में। तीनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है, आर्मी का भी, नेवी का भी और एयरफोर्स का भी। तो आर्मी जो है, इसकी 7 commands है। कौन कौन सी? वेस्टर्न कमांड है, एक तो जो वेस्टर्न कमांड है, उसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। नॉर्दर्न कमांड जो है, इसका हेडक्वार्टर है उधमपुर में। आर्मी ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर है शिमला में। साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जयपुर में है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर पुणे में है। और सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और इसकी जो अलग अलग कमांड्स है ना इंडियन आर्मी की, हर कमांड का एक कमांडिंग ऑफिसर होता है। और उसका जो रैंक होता है, वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक होता है। और करंट चीफ की अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी का जो करंट चीफ है, वो है मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने आर्मी के करंट जनरल है, जो करंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, और यू कैन से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। अब ये ऑफिस में कब आए थे? ये आए थे 31 दिसंबर 2019 को। फिर बात करते हैं नेवी की।
नेवी का जो चीफ होता है वो एडमिरल रैंक का होता है, इसको बोलते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवी का हेडक्वार्टर अगेन न्यू दिल्ली में है। नेवी की तीन नेवल कमांड्स होती है, कौन कौन सी? पहली आती है ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है कोच्चि में। फिर बात करते हैं इसके एडमिरल की, इसके जो करंट एडमिरल है वो है आर हरि सिंह, और ये जो एडमिरल आर हरि सिंह है ये हमारी नेवी के 25th चीफ बने थे 30th नवंबर 2021 को, और इनके पहले कौन थे एडमिरल? इनके पहले थे एडमिरल करमबीर सिंह। और ये जो हमारे आर हरि सिंह है इन्होंने 40 साल इससे पहले नेवी में काम करा है, तो उसके बाद अब ये 25th चीफ बने हैं नेवी के। फिर बात करते हैं एयरफोर्स की, एयरफोर्स का जो चीफ होता है उसको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, और इसका रैंक होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। हेडक्वार्टर अगेन इसका भी न्यू दिल्ली में है। इसकी टोटल 7 कमांड्स होती है, 5 ऑपरेशनल कमांड्स होती है और 2 होती है फंक्शनल कमांड्स। और बात करते हैं पहले ऑपरेशनल कमांड्स की, ऑपरेशनल कमांड में फर्स्ट आती है ईस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है शिलोंग में, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में, सदर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है तिरुवंतपुरम में, वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर है अलाहाबाद में। इसके अलावा आती है 2 फंक्शनल कमांड्स। अब जो 2 फंक्शनल कमांड्स है वो कौन कौन सी है, उसमें से एक तो है ट्रेनिंग कमांड, एक है मेंटेनेंस कमांड। ठीक है, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड। ट्रेनिंग कमांड जो है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और मेंटेनेंस कमांड का हेडक्वार्टर है नागपुर में, राइट। फिर बात करते हैं करंट एयर चीफ की, करंट एयर चीफ कौन है? मार्शल विवेक राम चौधरी। कब ये बने थे चीफ? ये बने थे 30th सितंबर 2021 को चीफ बने थे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।